मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा ये मानना है, ये केवल मिथ है, बल्कि उल्टा होता है कि जिन लोगों की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल होता है या मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पर होता है, उनकी बल्कि महत्वाकांक्षा विवाह को लेकर के कुछ आम व्यक्तियों की अपेक्षा ज्यादा होती है। और कभी कभी तो मंगल का सप्तम भाव में प्रभाव एक से अधिक विवाहों की तरफ भी लेकर के चला जाता है, क्योंकि एक विवाह से संतुष्ट होना उनके बस की बात नहीं हो पाती है। अतः यहाँ तो मामला दूसरा हो गया। हम जिस मंगल को ब्रह्मचारी समझ रहे थे सप्तम भाव में, वो तो बल्कि मल्टीपल अफेयर देने वाला प्लेनेट बन गया। तो विवाह से संबंधित जो सूत्र हैं, यानी कि जो वैवाहिक सुख से संबंधित जो सूत्र हैं, उनको बहुत ज्यादा ढंग से समझने की आवश्यकता है, नहीं तो कई बार बहुत बड़ी गड़बड़ियां आदमी कर बैठता है, अर्थ का अनर्थ समझ बैठता है। ऐसा नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि भाई शादी सप्तम भाव से, विवाह सप्तम भाव से। अब आम जन साधारण व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज रहता है, वो शादी को ही फिजिकल रिलेशनशिप मान लेता है और वो फिर सप्तम भाव से ही सब चीजें देखना शुरू कर देता है, जबकि ये दोनों तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। चलिए आज यहीं से चर्चा आप लोगों ने छेड़ी है तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, थर्ड हाउस ये कॉन्ट्रैक्ट है, यहां से कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है। इट्स मीन तैयार है, मतलब मामला पक्का है। पक्का का मतलब हमारे यहां पर शादी को पक्का जब मानते हैं, जब लड़का लड़की को बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे देते हैं, कुछ लोग जो है उसमें इसे तिलक की रस्म कह देते हैं, कुछ लोग इसे रोका कह देते हैं, पंजाबी लोग रोका कह देते हैं, कई जगह सगाई कह देते हैं, कई जगह रिंग सेरेमनी कह देते हैं। तो ये एक प्रकार से इसका नाम कुछ भी हो, बट ये बिफोर मैरिज यानी कि विवाह से पूर्व का कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट को तैयार होने से पहले, मतलब विवाह से पहले का ये कॉन्ट्रैक्ट थर्ड हाउस में बनता है। अब थर्ड हाउस में बनने का मतलब ये है कि आप के साथ हम शादी करने को तैयार हैं, परिवार वाले शादी करने को तैयार हैं, या दो लोगों के बीच का प्रॉमिस, दोनों में से कोई भी। लव मैरिज केस में कई बार घर वाले तो नहीं होते तैयार, तो लड़का लड़की खुद ही आपस में एक दूसरे से प्रॉमिस कर लेते हैं। जो ये प्रॉमिस है बिफोर मैरिज का, जो प्रॉमिस है वो थर्ड हाउस डिसाइड करता है। सेवंथ हाउस क्या करता है? सेवंथ हाउस ओनली कॉन्ट्रैक्ट है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट तो थर्ड हाउस में बन गया था, पर ये दिखाता है कि थर्ड हाउस में जो कॉन्ट्रैक्ट आपका तैयार हुआ है उसमें आप प्लस माइनस कर सकते हो, थोड़ा बहुत उसके अंदर गुंजाइश रहती है कि आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हो, जो बीच का टाइम पीरियड है।
पर जो फाइज सप्तम भाव का कॉन्ट्रैक्ट होगा डेट इज ए फाइनल कॉन्ट्रैक्ट, ये भाई फाइनल कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बाद कोई अदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जाएगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि नंबर एक बात तो आप विवाह छोड़ोगे नहीं, विवाह छोड़ के दूसरी जगह जा नहीं सकते, अब किसी दूसरे अपोजिट सेक्स के साथ आप नहीं जा सकते, अगर आप पुरुष है तो किसी अन्य स्त्री के पास नहीं जा सकते और स्त्री है तो किसी अन्य पुरुष के पास नहीं जा सकते। ये एक सामाजिक न्यायिक मतलब लीगल एक प्रकार का अंडरस्टैंडिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, परंतु जब सात वचन होते हैं तो सात वचन में ये बात नहीं लिखी जाती कि आप किसी अन्य के पास नहीं जाओगे, पर घुमा फिरा करके उन सात वचनों में से बात यही आता है कि आप एक दूसरे के प्रति डिवोटेड रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, एक दूसरे की बिना आज्ञा के कोई कार्य नहीं करेंगे, किसी से मिलने जाना है तो एक दूसरे को बता करके जाएंगे, बिना किसी के को लूप में लिए कोई अन्य कार्य नहीं किया जाएगा। नेट सेल में जो सात भावों के साथ जो वचन हैं उनका यही मसौदा है। ये सात वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेवन प्रोमिसेस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि ये सेवन प्रोमिसेस कब टूटते हैं, किन ग्रहों की वजह से टूट जाते हैं और क्या गड़बड़ होती है। जब तक आप इसको इस दृष्टिकोण से नहीं समझोगे, जब तक हम मैरिज की चीज को नहीं समझ पाएंगे। अब आपको क्या समझना है कि केवल और केवल आपका यहां पर एक पेपर के ऊपर करारनामा बना है जो कि फाइनल कॉन्ट्रैक्ट है, और फाइनल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि ये रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, कि कोर्ट में जाकर के लोग रजिस्टर्ड करा लेते हैं ना, कि कोई जैसे पार्टनरशिप डीड होती है तो उसको फिर ये रजिस्टर्ड करा लेते हैं, तो ये रजिस्टर्ड डीड हो जाती है। इसका मतलब अब इसमें आप अपनी तरफ से कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते, यानी कि काट छाट नहीं कर सकते, अब ये फाइनल है। अब यहां पर हम आगे चलेंगे तो आएगा 12वां भाव। अभी यहां पर पति पत्नी के एक दूसरे के हाथ में हाथ दिया जाता है, मतलब एक दूसरे को गठबंधन करा दिया जाता है, एक दूसरे को जोड़ दिया जाता है, जस्ट एनफ, इससे ज्यादा सप्तम भाव में कुछ भी नहीं होता। अब जो भी आगे विवाह के बाद होगा वो आगे के भावों के द्वारा होगा। अब यानी कि 12वां भाव बेड प्लेजर, यानी कि सैया सुख, इसको आप रात्रि कालीन सुख भी कह सकते हैं, इसको आप एक दूसरे का शारीरिक सुख भी कह सकते हैं। ये टोटली प्योर 12वें भाव की देन है। अगर विवाह के बाद दोनों के फिजिकल रिलेशनशिप अच्छे नहीं है या एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन नहीं है तो ये सप्तम भाव की समस्या नहीं है, बल्कि ये समस्या जो है 12वें भाव की समस्या है। अब चलिए मान लिया कि थर्ड हाउस भी ठीक हो गया, सप्तम से विवाह भी ठीक हो गया और 12वें में जाकर के फिजिकल रिलेशनशिप भी ठीक हो गया, पर क्या यहीं पर मामला सेट हो जाता है? नहीं, सब कुछ होने के बाद फिर व्यक्ति सोचता है जिस विषय को लेकर के मैंने विवाह किया था, अर्थात पर्पज ऑफ मैरिज जो मैंने किया था, पर्पज ऑफ मैरिज जो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, अब वो आएगा 11वें भाव से। विवाह का क्या पर्पज हो सकता है किसी इंसान के लिए? कुछ पर्पजेस होते हैं जो कॉमन होते हैं, पर उनमें से भी कुछ पर्पज स्पेसिफिक हर व्यक्ति का अलग अलग है। किसी का विवाह करने का मतलब ये है अपनी तरक्की उन्नति करना, किसी का विवाह करने का मतलब है दान दहेज लेना, किसी का विवाह का मतलब ये है अपने परिवार की वृद्धि करना,
किसी का विवाह का मतलब है अपने पूर्व जन्म के ऋणों को चुकता करना, कुछ लोगों के लिए विवाह का मतलब है धर्म की पालना करना, और कुछ लोगों का विवाह का उद्देश्य है प्रेम प्राप्ति करना। तो हम यहां लिख देंगे कि प्रेम प्राप्ति भी एक उद्देश्य है, पर जरूरी नहीं हर किसी का ये प्रेम प्राप्ति ही उद्देश्य हो। ज्योतिष कुछ और बात कह रहा है कि ये कोई जरूरी नहीं है 100%। हो सकता है कि कोई लड़की इसलिए लड़के से शादी कर रही हो कि लड़का बहुत पैसे वाला है, अमीर है और इकलौता है, इसकी भी संभावना बनती है। हो सकता है लड़की इस बात के लिए भी शादी कर रही है लड़के से कि लड़का देखने में बहुत सुंदर है, या उसके मन को भा गया उसको, ये वाइस वर्सा है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि लड़की को लड़का, तो आप इसको अपने आप अंडरस्टैंड कर देना, ये पूरा सब्जेक्ट वाइस वर्सा है। ये मत कहना जी आपने लेडीज के लिए बोला था, जेंट्स के लिए नहीं बोला। नहीं, जहां पे क्या अगर कोई सूत्र आएगा तो मैं बोलूंगा स्पेशल कि भाई स्पेशल फॉर मैरिज वो है, क्या कहते हैं, मेल या फीमेल, उसके लिए मैं स्पेशल आपको हिंट दूंगा। पर अगर सामान्य रूप से बातचीत चल रही है तो मैं ये अगर लड़की को बोल रहा हूँ तो इसका मतलब लड़के का अपोजिट है कि हो सकता है उसको लड़की देखने में बड़ी सुंदर लग रही है और उसको मन भाग है इसलिए शादी कर ली, या वो हो सकता है अपना इकलौती लड़की है घर परिवार में, या बाप बहुत अमीर आदमी है देश के चक्कर में शादी कर ली, या कोई पॉलिटिकल अपने आप को एम्पावर देने के लिए, स्ट्रेंथन देने के लिए पॉलिटिकली शादी कर ली, या आपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस के द्वारा शादी कर दी, मतलब बिजनेस के कारण शादी कर दी। तो शादी की के पर्पज कई होते हैं। कुछ लोगों का पर्पज विवाह का मतलब धर्म है, धर्म का निर्वाहन करना, अपनी लाइफ की जिम्मेवारियों का निर्वाहन करना, पूर्व जन्म से जो संबंधित कोई दोष, पाप कर्म के जो दोष हैं, उनसे मुक्ति हेतु भी विवाह इत्यादि कर्म में जो है पार्टिसिपेट किया जाता है। तो तरह तरह की चीजें, हर आदमी का विवाह का पर्पज पूरा हुआ या नहीं हुआ ये आपका 11वां भाव डिसाइड करेगा, जिसे हम सामान्य भाषा में लाभ भाव कहते हैं। अब इसको लाभ भाव को ये कहते हैं अगर हम यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। अच्छा ध्यान रखना, ये शब्द मैंने लिखा जरूर है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इसका मतलब ये नहीं कि ये पूर्ति करेगा ही करेगा, ये तो सिर्फ ये बताएगा कि पूर्ति होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि शादी करो और शादी के बाद आनंद आ जाए या आप जीवन में सुख प्राप्त करें, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पर शादी के द्वारा कुछ लोगों का ये भी है कि हम कुछ जीवन को हंसी खुशी से गुजारें, विवाह के बाद एक ऐसा साथी प्राप्त हो जाए जो लाइक माइंड हो और जिसके साथ कुछ प्रेम प्रसंग भी हो, यानी कि प्रेम पूर्वक वार्तालाप, प्रेम प्रसंग। अब प्रेम प्रसंग की जो बात आएगी तो कुंडली के पंचम भाव से संबंध देखा जाएगा, फिफ्थ हाउस प्रेम प्रसंग। अच्छा ध्यान रखना, ये प्रेम प्रसंग बाहर का प्रेम प्रसंग की बात नहीं हो रही, पंचम भाव बिफोर मैरिज भी प्रेम प्रसंग है और आफ्टर मैरिज भी प्रेम प्रसंग है। वो आप पर डिपेंड करता है कि ये प्रेम प्रसंग आपने कहां चला रखा है, घर के अंदर चला रखा है, घर के बाहर चला रखा है, ये एक अलग मुद्दा है। तो ये कुल मिलाकर के इस तरह से हम हाउस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फिर हम अलग अलग पॉइंटों से समझना शुरू कर देते हैं। अगर अब हम शुरुआत करते हैं थर्ड हाउस के लिए, जैसे कुछ लोगों के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि उनकी शादी होते होते खराब हो जाती है, मतलब बात हुई और खत्म हो गई, और कभी कभी तो बिल्कुल बात सिरे चढ़ जाती है, बात शादी के लिए मतलब ये विवाह से पूर्व रोका सगाई यहां तक पहुंच जाती है, पर शादी नहीं हो पाती, शादी की कोई गारंटी नहीं है,
शादी से पहले ही दो लोगों में झगड़ा हो गया, माँ बाप में झगड़ा हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, कुछ भी पॉसिबिलिटी बनती है। इसके लिए अलग अलग सूत्र हैं, पर फिर भी तीसरे भाव में बैठा हुआ जो पाप ग्रह होता है वो ज्यादा दिक्कत नहीं देता। अब यहां पर पाप ग्रह ज्यादा दिक्कत नहीं देता। ज्यादा दिक्कत क्या मतलब? वो शादी यानी कि रोके को सगाई को नहीं तुड़वाता, पर रोका या सगाई होने में या करवाने में बड़ी मशक्कत कराता है। पॉइंटों को समझना कि रोका या सगाई करवाने में बड़ी मशक्कत कराता है, पर अगर रोका एक बार हो जाए तो फिर तोड़ टूटने नहीं देता। अगर तीसरे घर में पाप ग्रह है तो, अब पाप ग्रह आप जानते हैं, राहु केतु मंगल शनि ये पाप ग्रह, इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हो तो ये रोका कराने में दिक्कतें देता है। जैसे तारीख को स्किप करा देगा, वेन्यू नहीं मिलेगा, किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, तो जो डेट डिसाइड करी आगे पीछे हो जाती हैं, तो इस तरह की तकलीफ आ सकती है। पर अगर एक बार हो गया ये मामला सेट, फिर दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर शादी होकर के रहेगी। अब यहां पर हमने पाप ग्रह तो देखे, पर शुभ ग्रहों के प्रभाव कई बार विपरीत प्रभाव दिखा देते हैं। जैसे कि चंद्रमा, शुक्र, बुध, गुरु का यहां पे होना ये मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़वा देता है, मतलब ये विवाह से पूर्व रोका या सगाई को तोड़वा भी सकता है, ब्रेक भी ला सकता है। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? सिंपल है, शुभ ग्रह गड़बड़ी कर सकते हैं, अशुभ ग्रह प्रॉब्लम शुरुआत में क्रिएट करते हैं, परंतु एक बार चीज को अचीव कर लिया बाद में दिक्कत नहीं आएगी, मतलब फिर शादी के मंडप में ही बैठना पड़ेगा, तो वो वाली चीज है। तो ये हमारा अक्सर कंफ्यूजन होता है थर्ड हाउस को लेकर के, और कई लोगों को तो रोका सगाई वगैरह देखना ही नहीं आता जो कुंडली के द्वारा, कि भाई कैसे। पर ये समस्या समाज में है, तो आप सुनते होंगे किसी की एक सगाई टूट गई, किसी की दो बार टूट जाती है, किसी की तीन बार टूट जाती है, और मैंने एक व्यक्ति ऐसा देखा जिसकी पांच बार टूटी है, और वो बेचारा होप ही खो बैठा कि भाई अब होगा कि नहीं होगा, मतलब उसको इतना डाउट क्रिएट होने लग गया था। और होने के बाद भी जिस दिन वो उसकी शादी के फेरे हो गए उस दिन उसने सांस ली, कहता जी बस अब कुछ नहीं हो सकता पंडित जी, नहीं तो मेरे को तो ऐसा लगता था ये बारात भी पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, ये बारात से पहले ही ना कुछ हो जाए, लड़की जो है ना हंगामा ही कोई ना नया खड़ा कर दे। क्योंकि एक बार उसके साथ घटना ये हो गई कि वो सगाई सब कुछ हो गया और लड़की फेरों की रात से दो दिन पहले अपने घर से भाग गई, मतलब ये बारात लेकर के जाने वाले थे दो दिन के बाद और लड़की पहले ही अपने घर से क्विट कर गई। तो ऐसी ऐसी जब जिस व्यक्ति के साथ घटना हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उसका मानसिक हिसाब किताब थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है इन सब चीजों को लेकर के। तो इस तरह से हमने देखना है। अब सप्तम भाव के लिए पुस्तकों में लिखा है, क्या लिखा है कि ये ग्रह शुभ है और ये अशुभ है, पर मैं आपको 15 सालों के एक्सपीरियंस से बताता हूं कोई भी ग्रह सप्तम भाव में शुभ नहीं है। 9 के 9 ग्रह कोई भी शुभ नहीं है, यानी कि सप्तम भाव एक ऐसा भाव है जहां जो ग्रह आएगा वो अपनी चलाने की कोशिश करेगा, और जो अपने चलाने की कोशिश करेगा, जो ये 7 कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो 7 वचन हैं, उनमें से किसी एक वचन को डिस्टर्ब कर देगा। अब सूर्य ले लो, चाहे चंद्रमा ले लो, चाहे गुरु ले लो, चाहे शनि ले लो, चाहे राहु ले लो, चाहे केतु ले लो, कुछ भी ले लो,
कोई भी ग्रह शुभ नहीं माना जाएगा, ना ही सप्तम भाव में बैठना और ना ही सप्तम भाव में दृष्टि होना, ये शुभ नहीं माने जाएंगे। क्या इसका मतलब है जिनके सप्तम भाव में कोई ग्रह होता है क्या उनकी मैरिज छूट जाती है? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। कभी भी एक ग्रह देख के या दो ग्रह देख करके आप ये मत कहना कि ये मैरिज को तोड़ेगा। मैरिज को तोड़ने के एस्पेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट्स होते हैं, उन पर जब हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तो फिर वो सब बातें निकल करके आएगी। जैसे कुछ लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह सप्तम भाव में बैठ जाता है, पर वास्तविक स्थिति तो ये है, पुस्तकों में भी लिखा है कि सप्तम भाव में गुरु अगर बैठा हो तो बड़ा शुभ ग्रह है, तो विवाह में शुभता देता है, जबकि टोटली अपोजिट है। सप्तम भाव में बैठा हुआ गुरु मैरिज को बहुत खराब करने में सक्षम होता है। अब मैरिज को खराब होना और मैरिज का चल जाना, दोनों में भी अंतर है। कभी कभी दो व्यक्ति जब साथ रहते हैं तो उसको ही हम मैरिज की सक्सेस कहते हैं। ये हर समाज में और हर व्यक्ति में और हर जाति और पंथ में इसकी परिभाषा बिल्कुल अलग अलग है। अब मुद्दा यह है, जब सबने अपनी अपनी परिभाषाएं बना रखी हैं तो हम किसकी परिभाषा को माने? तो हम मानेंगे जो हमारे ऋषियों मुनियों की परिभाषा। ऋषि मुनि या वेद क्या कहते हैं पति पत्नी के संबंधों के विषय में? पति पत्नी के संबंधों के विषय में कहा गया है, दो आत्माओं का मिलन जो अपने धर्म की पूर्ति के लिए इस जन्म में एक साथ एक उद्देश्य के लिए साथ साथ जीवन व्यतीत करने के लिए अपने धार्मिक संस्कारों को पूर्णता प्रदान करने के लिए इस जीवन में साथ साथ कार्य करेंगे, वह एक प्रकार से शादी का उद्देश्य है। पति पत्नी के बीच में संबंध कैसे होने चाहिए? तो सप्तम भाव के विषय में लिखा है, पति पत्नी के विषय में संबंधों में लिखा गया है, जैसे दूध में चीनी को मिला दें और मिलाने के बाद आप चीनी दोबारा नहीं पा सकते, जितना मर्जी चीनी को हम ढूंढ लें और चीनी को दोबारा किसी भी फॉर्मेट से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से पति और पत्नी जब आपस में मिल जाएं तो पति का क्या रुख है और पत्नी का क्या रुख है, वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों का रुख एक समान एक जैसा हर मुद्दे पर होना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है। दिमाग की थ्योरी कहती है, प्रैक्टिकल थ्योरी कहती है ये बिल्कुल भी संभव नहीं, और ज्योतिष भी कहता है दो लोगों का दिमाग एक जैसा काम करे संभव नहीं, और पति पत्नी का भी दिमाग एक जैसा काम करे ये भी संभव नहीं। तो क्या होगा, जब दिमाग तो पति पत्नी के अलग होंगे फिर भी एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति समर्पण ही ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है। इससे भी आगे बढ़कर के उपनिषद कहता है, अग्नि में स्वयं को डाल देना। तो जैसे अग्नि एक दूसरे को शुद्ध बनाने का प्रयास करती है, एक सामान्य भाषा में कहूं तो घी शक्कर का एक हो जाना, यानी एक दूसरे में मिलन हो जाना, इशारों इशारों में, एक दूसरे के इशारों में बातें हो जाएं और एक दूसरे के इशारों में
हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें तो ये बहुत अच्छा विवाह का सुख माना जाता है। अगर पत्नी प्रेमिका हो जाए तो विवाह का सुख माना जाता है, या पति प्रेमी हो जाए तो विवाह का सुख माना जाता है। अर्थात उपनिषद में विवाह को बहुत ऊंचे स्थान पर रखा गया है और वेद में इसे धर्म का कार्य कहा। अर्थात धर्म के कार्य को पूर्णता देने के लिए ही दो लोगों का विवाह जरूरी होता है या विवाह किया जाता है, ये उनका उद्देश्य है। तो सप्तम भाव में कोई भी ग्रह आएगा वो उस उद्देश्य को छीन करता है। पर कभी कभी क्या होता है कि हम एक दूसरे की इच्छाओं को पूर्ति कर रहे होते हैं, यानी पति पत्नी एक दूसरे की इच्छाओं को पूर्ति कर रहे होते हैं। कैसे कि जैसे मान लीजिए पति के पास धन की स्थिति बहुत अच्छी है और वो धन के हिसाब से उसको कहीं कमी नहीं आने देता, यानी कि जीवन यापन में वो पत्नी को कोई कमी नहीं आने देता और पत्नी भी पति को एक प्रकार से भोजन इत्यादि की उसकी व्यवस्था करना, उसकी देखरेख करना, उसके घर की रखवाली करना, उसके बच्चों का लालन पालन करना निपुणता से करती है। पर वेद के अनुसार ये विवाह का मामला नहीं है, ये दो लोगों के बीच की पार्टनरशिप का है। तो पार्टनरशिप भी सक्सेसफुल हो जाती है, ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप सक्सेसफुल नहीं होती है। यानी कि जब तक उस सूत्र पे नहीं पहुंचेंगे कि पत्नी प्रेमिका और पति प्रेमी ना हो जाए एक दूसरे के प्रति, जब तक वो मामला नहीं बनता। ये स्थिति हमारे समाज में आज के बच्चों में 3 महीने से 6 महीने तक टिकती है, उसके बाद प्रेमी प्रेमिका वाला सीन खत्म हो जाता है। कुछ लोगों का तो पहले दिन से ही सीन खत्म हो जाता है। अब ये कब खत्म होता है? जब पाप ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होता है सप्तम भाव पर, या पाप ग्रहों की दृष्टि होती है, तो ऐसा सीन बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है। पर अगर ग्रह के होने पर भी मैरिज चल रही है, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है, मैक्सिमम केसेस में होता है कि पाप ग्रह के होने के बावजूद भी मैरिज चलती रहती है, तो ये मन और आत्मा का गठबंधन नहीं होता, दो लोगों की एक अच्छी पार्टनरशिप कही जा सकती है। दो लोगों की अच्छी पार्टनरशिप कही जा सकती है, यानी कि हर ग्रह उसको डेंट मारने का प्रयास करता है। पर इसके विपरीत शुभ ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर, शुभ ग्रह की दृष्टि इच्छा के कारण विवाह को जोड़े रखती है, यानी विवाह को जोड़े रखने की इच्छा होने पर और शुभ ग्रह की दृष्टि है तो विवाह चलता रहता है। पर दृष्टि संबंध केवल इच्छा के वजह से ही पूर्ति देता है और भविष्य काल में पूर्ति उसकी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर इन लोगों को अलग कौन कराता है? अलग कराता है सबसे पहले फर्स्ट हाउस ईगो, सेल्फनेस या सेल्फ सेंटर्डनेस, कुछ भी कह लो आप, एंड 10th हाउस दसम भाव अथॉरिटी डोमिनेशन, और यहां पर बैठते हैं जज साहब, फाइनल डिसीजन मेकर, सरकार की तरफ से तलाक मिलना। सरकार की तरफ से तलाक जब मिलता है, जिसे हम डिक्री बोलते हैं,
कि दो लोग अपनी मर्जी से कहते हैं कि भाई हमें शादी में नहीं रहना है और हमें तलाक दे दिया जाए कानूनी रूप से, जिसमें कि समाज हमें प्रेशराइज ना कर सके और हम अलग अलग रह सकें और हम आजादी के साथ रह सकें। तो जो डॉक्यूमेंट साइन होता है तो दसम भाव के द्वारा होता है, दसम भाव का ठप्पा लगता है, जज का ठप्पा लगता है तो डिक्री मिलती है, वो दसम भाव क्रिएट करता है। एक है छठा भाव। छठा भाव तो अभी आपको समझाया कि है ही सेपरेशन। सेपरेशंस किसकी वजह से? सेपरेशंस के बहुत सारे कारण होते हैं। व्यक्ति का बहुत ज्यादा दिमाग वाला होना, मैंने बहुत बड़ी बात बोली है, व्यक्ति का बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना या बहुत ज्यादा दिमाग वाला होना मैरिज लाइफ के लिए खतरनाक है। चाहे ये पुरुष ज्यादा इंटेलिजेंट है या स्त्री ज्यादा खतरनाक, कुछ भी है, ज्यादा टू मच एनालिसिस जो छठे भाव से आता है। किसी रोग का हो जाना, रोग की वजह से जिम्मेवारियों को ना निभा पाना, विवाह के जिम्मेवारियों को ना निभा पाना भी सेपरेशन का एक कारण है। मानसिक कष्ट, जो भी छठे भाव से चीजें आती हैं, ये सब मैं वही बोल रहा हूँ, छठे भाव से मानसिक कष्ट भी आता है। यानी कोई व्यक्ति डिप्रेसिव है, सैडिस्ट है, या सनकी जिसे हिंदी में बोल देते हैं कि बड़ा आदमी, बड़ा सनकी टाइप आदमी, तो उसके साथ जो बेचारा दूसरी पार्टी है उसका रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इम्पोर्टेंसी यानी कि नपुंसकता, ये भी छठे भाव की ही देन है। उसकी वजह से भी स्त्री में हो इम्पोर्टेंसी, या स्त्री में हो या पुरुष में हो, इसे स्त्रियों के मामले में फ्रिजिडिटी भी बोलते हैं और सामान्य समझने में कोल्डनेस टू मेक द रिलेशनशिप, ये सब छठे भाव का दुष्प्रभाव है। बहुत सारे ऐसे आपको कारण मिलेंगे जो छठे से पैदा होते हैं। व्यक्ति का बहुत ज्यादा कर्जवान होना, व्यक्ति का बहुत ज्यादा झगड़ालू प्रवृत्ति का होना, झगड़ा छठे भाव से ही आता है, युद्ध में रत रहने, ये सभी सारी चीजें जो छठे से आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं सप्तम भाव को लॉस पहुंचाने का कार्य करते हैं, यानी कि सेपरेशंस की बात करते हैं। अब इसको मैं मिटा रहा हूं एक पल के लिए ताकि मैं आगे लिख पाऊं, जगह नहीं बची। इसका तात्पर्य क्या हुआ आज की क्लास का? वैसे मैं सच बताऊं, मैं दो दिन से उपपद लगन पढ़ाने के लिए आ रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि मैं उपपद लगन ही पढ़ाऊंगा, पर आज भी जो है बात कहीं और चली गई। उपपद लगन लगता है अब कल पे जाएगा और कल पे भी देखते हैं क्या होता है। ये उपपद लगन जो है ना शादी को बताता है। चलिए, तो अब हम तलाक पे पहुंच गए शादी से पहले, है ना। कभी कभी मस्तिष्क है ना आज कहीं कहीं घूम जाता है। यानी कि लगन की दशा, लगन की दशा, षष्ठ भाव की दशा और दसम भाव की दशा, ये सावधानी रखनी है। किस चीज की रखनी है? ये पति पत्नी में सेपरेशन दे सकती है, पति पत्नी में सेपरेशंस का एक बड़ा कारण बन सकती है, इसलिए सावधानी रखने की बात है। आप कहेंगे जी ये क्या बात है, हमने तो ज्योतिष में पढ़ा है लगन की दशा और दसम की दशा जीवन में राइज देती है। फिर मैं लिख रहा हूं, लगन दशा, दशम दशा, राइज देती है, सक्सेस देती है। अब राइज मिलेगा, सक्सेस मिलेगी तो आदमी क्या होगा? बिजी हो जाएगा, टू मच बिजी हो जाएगा। धन ज्यादा आएगा। लगनेश की दशा, दशमेश की दशा धन खूब अच्छा देती है,
इंसान को राइज देती है, सक्सेस देती है। इसकी वजह से कई बार घर गृहस्थी की तरफ से ध्यान व्यक्ति का हट जाता है या वो अपने बीवी बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे पाता, सही उचित समय नहीं दे पाता। घर गृहस्थी के प्रति अगर सही समय नहीं दिया जाए तो विवाह के टूटने के पीछे ये भी बड़ा एक कारण होता है। पर कई बार अक्सर लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते पर चुपचाप गुप्त रूप से नाजायज संबंध बना करके बैठ जाते हैं, अर्थात एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्रिएट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्रिएट कर लेते हैं और वो शादी को भी नहीं तोड़ते और एक तरफ से रिलेशनशिप भी चलाते हैं। पर अब आए हम धर्म की बात पर, वास्तव में जो कॉन्ट्रैक्ट सप्तम भाव में लिखा गया था वो तो आखिरकार टूट ही गया ना। वो बात अलग है कि शादी बेशक बच गई, शादी नहीं टूटी। कई बार शादी के ना टूटने की वजह बच्चे भी होते हैं कि बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पति पत्नी दोनों आपस में अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि तू जहां चाहे वहां जा और मैं जहां चाहूं वहां जा, दोनों ही अपने बच्चों को नहीं पता लगने देंगे, पर एक दूसरे पर अपना प्रभाव छोड़ बैठते हैं। तो ये भी चीजें जीवन में आपको देखने में, समाज में देखने को, ऐसे ऐसे केसेस बड़े आराम से मिल जाएंगे। कुंडलियों के माध्यम से चीजों को समझना बहुत जरूरी है। लगन, दशम और छठा हमेशा ध्यान रखना, ये आपको बताता है कि भाई अपने घर गृहस्थी की तरफ भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना जीवन में भागदौड़ करना, जितना जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करना, जितना जिंदगी में धन कमाना जरूरी है उतना ही अपने जीवन साथी को समय देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी प्रकार से जब स्त्रियां वर्किंग होती हैं और उनकी लग्नेश की दशा चलती है, दशमेश की दशा चलती है, तो उनको प्रमोशन मिल जाती है, सफलता मिलती है। अगर वो वर्किंग वुमेन है, बिजनेस वुमेन है, तो उनको बिजनेस में सफलता मिलती है। ऑब्वियसली बात क्या है, ऑब्वियसली बात ये है कि उस समय उनके ऊपर जिम्मेवारी बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा काम का, जिम्मेवारी बढ़ेगी, जिससे स्ट्रेस बढ़ेगा और स्ट्रेस बढ़ेगा और टाइम नहीं मिलेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, टाइम नहीं मिलेगा, जिससे वो अपने हस्बैंड को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगी, बच्चों को टाइम नहीं दे पाएंगी, तो दूसरे अपोजिट वाले जीवन साथी में फ्रस्ट्रेशन बढ़ना स्वाभाविक है, नेचुरल है। इसलिए हमारे समाज में एक ट्रेडिशन में परंपरा थी, भारतीय परंपरा, कि दोनों में से कोई एक अर्निंग हैंड हो और एक जो है अपने घर की रक्षा करे, घर की सेवा करे, घर को संभाले। वो एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए था। पर ज्यादा धन कमाने के लिए आज के समय में या जो जीवन में अब अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है, उन सबको पूरा करने के लिए पति पत्नी को मजबूरी में दोनों को काम करना पड़ता है एक साथ। और ये भी आजकल सबसे ज्यादा मैरिज में अनसेटिस्फेक्शन की एक प्रमुख वजह है। दूसरा, जो एक साथी फाइनेंशियली स्ट्रांग होता चला जाता है, दोनों में फाइनेंस को लेकर के भी एक छुपा हुआ कंपटीशन शुरू हो जाता है कि विच इज मच बेटर, कौन सा सबसे ज्यादा ठीक है, तुम ज्यादा स्मार्ट हो या ज्यादा सक्सेसफुल हो या मैं। जो पीछे रह जाता है वो भी पछताता है, जो आगे बढ़ जाता है वो भी पछताता है। जो पीछे रह जाता है वो कोई दूसरा साथी ढूंढ लेता है अपना लाइफ में, जिसके कारण जो आगे बढ़ जाता है उसको जब पता चलता है कि तेरा साथी तो कहीं और ही लिप्त हो गया, मैरिज टूटने के कगार पर हो गई, तो उसको लगता है कि सब तेरे साथ चीटिंग हो गई, तेरे साथ बहुत बड़ी बात। कहने का मतलब जो धन है, अब आपको एक बड़े ही कमाल की अद्भुत चीज बताते हैं।
आपको कुंडली ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके माध्यम से आपको प्रश्नों का उत्तर ना मिले। लोग कहते हैं ये भविष्य कथन की कला है, मैं कहता हूं बिल्कुल भी नहीं है। भविष्य पता लगे ना लगे, वर्तमान जरूर पता लग जाता है, और जिसको वर्तमान पता लग गया वो अपना भविष्य को निर्धारित कर सकता है। समस्या तो यही है कि हम भविष्य को के पीछे पड़े रहते पर वर्तमान को समझ नहीं पाते। अब आइए समझिए, अगर हम कुंडली में समझें तो धन हमारा आता है सेकंड हाउस से। ये हमारी मनी है, इसको वेल्थ भी कह सकते हो आप। ये सेकंड हाउस देता है और मैरिज सेवंथ हाउस देता है। अब आप गिनिए सेकंड से गिनिएगा विवाह स्थान। सर, लॉस लॉस ऑफ मैरिज इज टेन द सेकंड हाउस। नहीं, विश्वामित्र जी, गिनिए आप सेकंड से गिनिए, तब षडाष्टक तक। हो गया सर। यस, अब आप समझे, सब सेकंड से जब हम गिनेंगे तो छठे पे पहुंचेंगे, और जब सप्तम से दूसरे पे पहुंचेंगे तो अष्टम में पहुंचेंगे। अर्थात अगर दोनों में से दोनों के दोनों धन की तरफ दौड़ेंगे, ध्यान से समझना, दोनों धन की तरफ दौड़ेंगे तो षडाष्टक संबंध बन जाएगा। पति पत्नी में षडाष्टक संबंध बनेगा ही बनेगा, दुनिया की कोई पावर उसे नहीं रोक सकती, चाहे हम कितना मर्जी प्रयास कर लें। क्योंकि शास्त्र में एक ही को आदेश है और सबके काम बांट दिए, पुरुष का काम बांट दिया, स्त्री का काम बांट दिया। अगर दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करेंगे तो आपकी कुंडली का बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है, आपकी कुंडली की एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है। मैं अक्सर खुद कहता हूं कि पुरुषों को रसोई के अंदर बैठ करके खाना तो खाना चाहिए पर डेली खाना बनाना नहीं चाहिए। उसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है। मेरी पुरुष मानसिकता की वजह से मैं ऐसा नहीं कहता। इसी प्रकार से ये वाइस वर्सा सीन है, पर ये समय अब अलग हो गया है। इस समय पति पत्नी का साथ काम करना निहायत जरूरी हो गया है। जैसा कि मैं स्वयं कह रहा हूं, इस समय पति पत्नी को कंधे से कंधा मिला के काम करना पड़ता है। अब कंधे से कंधा मिला करके जब ऋषियों ने ये बात रखी, सूत्र रखी, क्या उस समय नहीं करना पड़ता था? उस समय भी स्त्री पुरुष एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला के काम करता था, पर उनका वर्किंग एरिया अलग था और उनका वर्किंग एरिया अलग था। यहां पर ये कह रहा है कि धन के पीछे एक को भागना है, चाहे स्त्री भागे या पुरुष भागे, एक को भागना है, कोई भाग नहीं। अगर दोनों एक साथ भागेंगे तो षडाष्टक बनेगा। सिर्फ सूत्र ये है, क्योंकि आपका धन वहां से नहीं, वहां से आ रहा है। दूसरी बात,